क्यों आए आप लोग यहाँ? क्या लेने आए? कहाँ जा रहे हैं आप? अब बताएं तो सही, आखिर बात क्या है? जी कहिए। सब क्यों आ रहे हैं यहाँ? तुम उमेर हो? जी मैं उमेर हूँ। रेस्टोरेंट है तुम्हारा हमारे पास? अरेस्ट वारंट? क्यों, क्या किया मेरे बच्चे ने? मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असलाह रखने का इल्जाम है इस पर। नहीं नहीं, ये बहुतान है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, झूठ है ये। सच अभी सामने आ जाएगा। तलाशी लो घर की। नहीं मेरी बात तो सुने आप। आप मेरे घर के अंदर नहीं जा सकते। एक एक कमरा अच्छी तरह छान मारो। आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ मैडम, देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। वो तो अभी पता चल जाएगा, पक्की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। इंस्पेक्टर साहब देखिए, आपको गलत फहमी हुई है, कुछ भी नहीं है हमारे घर में। अच्छा, देख रहे हैं। मुझे फंसाने की कोशिश की कि मेरा नहीं, हम भी बताएं कि मेरा जो कहना है ना अदालत में कहना। पकड़ लग रहा है, डांट को बुला दे। अब चलो, मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम सब बिक चुके हो मलिक इजलाल के हाथों। हमारे काम में मुदाखलत ना करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना हमें सख्ती करना पड़ेगी। ले जाओ इसे। मेरी बात सुने। ले गया है मेरे बेटे पर, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई कर रहा है। बात सुन, कैसा साहब मैंने कुछ नहीं किया, बहुत आन है मुझे। जो कुछ कहना है नहीं कह रहा हूँ। कुछ नहीं, मेरे भाई पे बहुत आन है। डालो इसको गाड़ी में, ले गया छोड़ दो आगे। चलो गाड़ी में डालो इल्जाम है मेरे भाई पर, उन्हें जान पूछ कर फंसाया जा रहा है, और मैं ये बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि इस सब के पीछे कौन लोग हैं। ये वही दरिंदे हैं जिन्होंने हमें किडनैप किया था, हमें टॉर्चर किया, और अब मेरे भाई को झूठे केस में फंसा रहे। लेकिन उनका ये जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी, मैं छुड़वाऊंगी अपने भाई को, उन्हें इंसाफ मिलेगा। स्मगलिंग का झूठा केस करके मेरे भाई को फंसाया गया है, मैं ये साबित कर दूंगी। हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। मुझे पता था ये इंसान किसी को नहीं छोड़ेगा। What do you think? कौन है उमेर के अरेस्ट के पीछे? मलिक इजलाल, वो अपनी बेइज्जती का बदला इन लोगों को परेशान करके लेना चाहता है। अभी तक ईशा को इंसाफ नहीं मिला था, और अब उसके भाई को झूठे स्मगलिंग के केस में धर दिया। ये है हमारे मुल्क का सिस्टम, जहां पर मजदूर की सुनी नहीं जाती और जालिम जुल्म पर जुल्म ढाया जाता है। मामा, सिस्टम तो आपसे और हमसे है ना, अगर हम सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? आवाज उठाने से क्या होगा? जब इंसाफ करने वालों का तराजू
नोटों की बोझ से जालिम की तरफ झुक जाएं, तो मैं और तुम अपनी आवाज दूसरे पलड़े में डाल के उसको उठने पर मजबूर नहीं कर सकते। जब जालिम नोटों से इंसाफ खरीद ले, जिस कलम की जुम्बिश से इनकलाब आ सकता है, वो लिखने वाले हाथ पिक जाए, उनके कलम को जम लग जाए, तो तुम्हारी और मेरी आवाज क्या कर सकती है? Relax. I'm fine. Sure? Yeah. I'm okay. चाहिए चाहिए जी। थैंक यू। चल उमेर रेस्ट हो गया है। आखिर चाहती क्या है आप लोग? बेटा मैं कुछ समझी नहीं। इतनी भी ना समझ नहीं है जितना बनने का ड्रामा कर रही है। उमेर को पुलिस अरेस्ट कर ले गई है मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल वेपन रखने के जुर्म में, जबकि सब जानते हैं उमेर ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। उमेर तो अब पाकिस्तान आता ही कम है। बेटा इसी बात की तो हमें भी टेंशन हो रही है, क्या आखिर उमेर के साथ ऐसा हुआ क्यों? अपनी इस बेटी से पूछे ना, ऐसा क्यों हुआ? सब कुछ आपकी इस बेटी की वजह से हुआ है। आपने अपनी बेटी को खुली छूट जो दे रखी है, इसका जो दिल चाहा इसने किया, जिससे दिल चाहा दोस्ती की, ने भी शादी का वादा भी किया, और फिर जब वो बंदा इसके पीछे पड़ गया, फिर आप लोगों ने मेरे उमेर को बलि का बकरा बना दिया। आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। मैंने मलिक इजलास से कोई शादी का वादा नहीं किया था। फिर वो शख्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा? कुछ तो तुमने ऐसा कहा होगा ना? तुम गलत समझ रही हो जवेरिया, इशा ऐसी नहीं है। वाह वाह वाह, इतना सब कुछ होने के बावजूद इसको डिफेंड कर रही है? ये सब कुछ आपकी इस बेटी की वजह से हुआ है। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, पहले ही कम था। उमेर वहाँ कनाडा में रह के आप लोगों की फिक्र में लगा रहता था। Is she going to the college or not? आप टाइम से मेडिसिन ले रही हैं या नहीं? यहाँ वो कुछ वक्त के लिए सुकून के लिए आया, तो आपकी इस बेटी ने उस पे इतना टॉर्चर करवाया, और इस पे भी बस नहीं, उसे जेल में ही डलवा दिया। आखिर चाहती क्या हो आप माँ बेटियाँ? देखो बेटा, उमेर के अरेस्ट होने की तकलीफ हमें भी है, मेरा बेटा है वो, ईशा का भाई है, लेकिन इस सब में ईशा का कोई कसूर नहीं है बेटा। तो किसका कसूर है, मेरा या उमेर का कि वो आपका बेटा है? मैं आप दोनों को वार्निंग दे रही हूं, अगर उमेर को कुछ हुआ तो मैं आप दोनों को छोड़ूंगी नहीं। और तुम इस सारे फसाद की जड़ तुम हो। उमेर इस हाल को तुम्हारी वजह से पहुंचा है। मैं तुम्हें फिर वार्न कर रही हूं, याद रखना।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम इंशा है सर। सर मेरे भाई की आज यहाँ पे कोर्ट पे हेयरिंग है, आज उनकी पेशी है सर। प्लीज़ मेरे भाई पे झूठा इल्ज़ाम है, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल वेपन का झूठा इल्ज़ाम है सर। मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया सर, प्लीज़ आप उनका केस ले लें। कोई वकील उनका केस नहीं लेगा। तुम वही हो ना जो सोशल मीडिया पर वायरल हो? सॉरी, मैं आपका केस नहीं ले सकता सर। प्लीज सर, सर कोई भी नहीं ले रहा केस मेरे भाई का, मेरे भाई पे कसूर है सर। मसीशा, आज आपके भाई की पेशी है, आपको क्या लगता है अदालत उन्हें इंसाफ देगी? मसीशा जवाब दीजिए, मसीशा प्लीज जवाब दे, मसीशा मसीशा प्लीज जवाब दीजिए। प्लीज अब मेरा रास्ता छोड़े मसीशा, प्लीज बताइए, कुछ नहीं बात करनी, मसीशा प्लीज रास्ता छोड़े, मसीशा प्लीज बताइए, इस बारे में कोई बात नहीं करनी मसीशा, प्लीज आप मेरे सामने से हट जाए प्लीज। इंसाफ के लिए दर दर भटकती ईशा का केस, कोई भी वकील लड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्या ईशा और उसके भाई को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, क्या जानने के लिए हमारे साथ मौजूद रही है। देख ही रहे लोगे पैर पकड़ के, परियां में कहां देखेंगी। ये तो माइक पकड़ के कैमरे के सामने भाषण देती रहती है। अबे हम जैसों को कहां लिफ्ट कराएंगी, इसने तो ऊंचा लंबा हाथ मारा था, मगर बेचारी की किस्मत बदनामी गले पड़ गई। कोशिश तो बहुत की थी, खूब चक्कर चल रहा था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में अमीरजादे छोड़ने आया करते थे मैडम को, बदे थे भाई मैडम के, कभी बड़ा भाई तो कभी छोटा भाई। अमीरजादे थे ना, तो माल किया और फिर छोड़ दिया। बताती हूँ मैं तुम्हें बड़ा, क्या बकवास कर रहे हो, चलो यहाँ से, आइंदा इस घर के पास भी नजर आए ना तो टांगे तोड़वा दूंगी तुम लोगों की। चलो अम्मी, आपने मुझे उन्हें क्यों नहीं कुछ कहने दिया? इन जैसों के मुंह लग के तुम्हें क्या मिलेगा, बेहतर है किसी से कुछ मत कहो, इस तरह तो हमें कोई भी कुछ भी मुंह उठा के बोलकर चला जाएगा। अरे बेटा, इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम उमर की रिहाई है, वकील ना होने की वजह से आज केस की पैरवी नहीं हो सकी, अब हमें क्या करना है बस ये सोचना है बस। चलो चलो। हाँ हाँ ठीक है। ठीक ठीक है डन। ओके खुदा हाफिज। सर मेरा नाम इंशा है सर। सर मेरे भाई की आज यहाँ पे कोर्ट पे हेयरिंग है, आज उनकी पेशी है सर। प्लीज मेरे भाई पे झूठा इल्जाम है, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल वेपन का झूठा इल्जाम है सर। मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया सर, प्लीज आप उनका केस ले लें, कोई वकील उनका केस नहीं लेगा। तुम वही हो ना जो सोशल मीडिया पर वायरल हो? सॉरी, मैं आपका केस नहीं ले सकता सर। प्लीज सर, कोई भी नहीं ले रहा केस मेरे भाई। हेलो, मेरे भाई भी कसूर है सर। हाँ, ये जो लड़की ईशा है, मुझे इसका नंबर चाहिए इमीडिएटली। मैम, आपके भाई को मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, और ये दोनों चीज़ें आपके घर से बरामद हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? किस तरह से? देखिए, हमें अपने किसी भी ख्याल का इजहार नहीं करना, हमें जो भी कहना है जज के सामने अदालत में अपने वकील के जरिए कहेंगे। आप लोग खाम खाम में अपनी झूठी दुकान चमकाने के लिए चंद व्यूज और लाइक्स की खातिर क्यों हमारी जिंदगी अजाब बना रहे हैं? हमें बख्श दे खुदा के लिए, यहाँ से चले जाएं आप लोग, जाएं।
बेबी जी, साहब जी आ गए। आपने कहा था कि साहब जी आ जाए तो मैं आपको बता दूं। ओके। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। लाजवा बता रही थी कि तुम काफी शिद्दत से मेरा इंतजार कर रही थी। जी अंकल, मैं आपका काफी देर से वेट कर रही थी। सब खैरियत है अंकल? I have something important to say to you. Go ahead, I'm listening. Uncle, I'm so worried. हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है। बोलो बेटा, क्या बात है? मुझे बताओ। You know, uncle, मैं पाकिस्तान उमेर की वजह से आई हूँ। Yes, I know. तो आप ये भी जानते होंगे कि उमेर मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल हथियार रखने के जुर्म में अरेस्ट है। लेकिन ये दोनों इल्जाम झूठे और बेबुनियाद है। मैं उसको कई सालों से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है। She is actually very nice. बेटा ये तो आप कह रहे हो ना। पुलिस का दावा है कि दोनों चीजें उसको उमेर के घर से मिली हैं। I know uncle, वो दोनों चीजें उसके घर से बरामद हुई हैं। लेकिन आप ही तो जानते हैं वो कैसे लोगों की जेबों में मंशियात रख के उनको मुजरिम साबित करते हैं। आप क्या चाहते हो बेटा? अंकल, मैं चाहती हूँ कि आप उमेर का केस लड़ें। बेटा मैं जानता हूँ तुम उमेर से मोहब्बत करती हो, उसी के लिए पाकिस्तान आई हो। भांजी होने के नाते मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा। इनफैक्ट तुम्हारी जगह मेरी अपनी औलाद भी होती तो मैं उसे भी मशवरा देता। तुम उमेर और इस किस्से से दूर रहो। अंकल, मैं उमेर से बहुत मोहब्बत करती, मैं इतनी दूर उसी के लिए तो आई। आई नो बेटा, लेकिन सिचुएशन तुम्हारे सामने है। उमेर वो मैं नहीं रहा, वो मैं कनाडा में पढ़ने वाला, जॉब करने वाला एक शरीफ इंसान था। उमेर अपनी बहन की वजह से बदनाम हो गया है, उनकी पूरी फैमिली लाइमलाइट का हिस्सा बन चुकी है। कोई भी वकील ये केस क्यों नहीं ले रहा, आखिर क्या वजह है? सब पे मलिक जलाल का प्रेशर है। अंकल, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप किसी के प्रेशर में नहीं आते। ये सच है कि मैंने अब तक जितनी भी वकालत की है वो नहायत ईमानदारी और नेक नियति से की है। मैंने हमेशा बच के चलने की कोशिश की है और मैं कोई भी ऐसा केस लेने को तैयार नहीं हूँ कि जिससे मेरी फैमिली और मुझे कोई नुकसान हो। तुम पाकिस्तान में नहीं रहते इसलिए मलिक जलाल को नहीं जानती। वो अपने केस को डिसमिस कराने के लिए वकील तो क्या, जजिस को भी ब्लैकमेल करता है। लिहाजा मैं कोई ऐसा केस नहीं ले सकता जिसकी वजह से मैं और मेरी फैमिली किसी मुसीबत में हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज अंकल, इस मसले का कोई तो हल होगा। बेटा अगर इस मसले का कोई हल निकाल सकता है तो वो उमेर की बहन है। मलिक जलाल से डील करके। हेलो, तुम्हें क्या लगा हार मान के बैठ जाऊंगा मैं? मैं मलिक जलाल, मेरा इरादा कभी नहीं बदलता। ईशा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है ना वो बहुत कम है। अभी तुम्हारी आधी अधूरी सजा बाकी है। अभी भी वक्त है, मुझसे शादी के लिए रजामंद हो जाओ। तुम्हारे साथ वो कुछ होगा जिसका तसव्वुर भी तुमने कभी नहीं किया होगा। तुम जैसे घटिया इंसान से ना इसी नीचपन की तवक्को थी। तुम्हारे भाई के साथ बहुत कुछ हुआ है, उसकी हालत देख के तुम्हें सबक हासिल नहीं हुआ? क्यों अपने भाई की जान की दुश्मन बनी हुई हो तुम?
तुम जैसे जलील लोगों को शराफत की जुबान समझ ही कहाँ आती है? तुम्हें क्या लगता है तुम जो ये खेल खेल रहे हो तुम जीत जाओगे? नहीं, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं जीतने दूंगी। अच्छा छोड़ो, मैंने सुना कि कोई वकील तुम्हारा केस लेने को तैयार नहीं है। एक काम करो, उसे शादी के लिए तैयार हो जाओ। अपने साले को खुद तैयार करके शादी में लेकर आऊंगा तुम्हारी। सही सुना है तुमने, मगर ये भी जान लो मलिक इजलाल, कोई तो ऐसा वकील हो जिसमें हिम्मत हो, इंसानियत, जिसके दिल में खौफ खुदा होगा, जो तुम लोगों से नहीं सिर्फ अपने रब की जात से डरता हो, जो तुम लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, मजलूम को इंसाफ दिलाएगा। मैं ढूंढ कर लाऊंगी ऐसा कोई वकील मलिक इजलाल जो तुम्हें सबक सिखाएगा। अरे तुम लोगों को पता है अफशीन की शादी हो रही है? अफशीन? नहीं, मुझे तो नहीं पता। है कार्ड नहीं मिला तुम्हें? आज तुम आई हो उसका? नहीं, मुझे तो कार्ड नहीं मिला। कार्ड तो वो तब देगी ना जब उसने बुलाना होगा। सकीना ने तो साफ साफ कह दिया था कि मैं ऐसे रिश्तेदारों से रिश्ता रखना ही नहीं चाहती जिसकी बेटी की ऐसी ऐसी खबरें चली हों टीवी पर और बेटा भी जेल जा चुका हो। समीना, तुम जानती हो कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अब तो तुम बस ही कर दो रक्षंदा, तुम तो बड़ी बातें बनाती थी कि तुम्हारी बेटी बड़ी मासूम है, सीधा यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी आती है। ये तो बताया ही नहीं कि दोस्त की भाइयों के साथ घूमती फिरती है। तुम्हें क्या लगा लोगों की आंखें बंद होंगी? अब तुम उन पे इल्जाम लगा रही हो। अरे तुमने देखा नहीं वो लड़का कैसे जान छुड़ा रहा है इनसे? इनकी लड़की है जो उस पर मरी जा रही है, गाड़ियों में घूमा करती थी और अब जाहिर है शादी करके उसके घर में ऐश करना चाहती है। उठे चले मेरे घर से बाहर फौरन, आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। ईशा खामोश हो जाओ, इन लोगों को इससे बेहतर मौका नहीं मिला था हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का। लड़की के तेवर तो देखो, इसे तो बात करने की तमीज नहीं है बड़ों से। और आप लोगों को तो बहुत तमीज है ना कि किसी के घर आके ऐसी बात की जाती है। रक्षंदा अपनी बेटी को लगाम दो, इस हाल तक तो इसने पहुँचा दिया, इसे शर्म तक नहीं आई। इतनी बदनामी के बावजूद भी इसके ये तेवर है। मुश्किल ही है कोई लड़का इससे शादी कर पाए। अगर कोई कार्ड का उल्लू कर भी लेगा ना तो एक दो दिन ही बस पाएगी, ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती। मेरी अम्मी ने आपके बेटे का रिश्ता मांगा है मेरे लिए? नहीं ना, तो फिर आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग निकले मेरे घर से इसी वक्त। तौबा तौबा, तुम्हारी इसी जबान दराजी की वजह से आज तुम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। भाई तक को तो पहुंचा दिया जेल में अपनी अवारगी की वजह से, अब और किसको खाओगी? चलो चलो अस्मा, हम चलते हैं। हम तो आए थे इनके दुख में शरीक होने के लिए, हमें क्या मालूम ऐसे लोगों से कौन रिश्ता रखेगा, वैसे भी अकेला रहने दो इन्हें। अरे नहीं, आप लोग बैठे चाय तो पी ले। रक्षंदा अपनी बेटी को संभालो, हाथों से निकल चुकी है ये। अच्छा आप प्लीज अब मैं आप छोड़ दे मैं ले लेती हूँ। तुम जो कर रही हो ना वही कर। अम्मी आपको भी लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है? मैं नहीं कह रही कि तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन तुम्हें जरूरत क्या थी उन दोनों के सामने अपना मुंह खोलने की
अब तुम जानती हो सारे खानदान में ना ये बात फैल जाएगी। फैलती है तो फैलने दे अम्मी, अब इनकी बातों की डर की वजह से मैं कुछ ना बोलूं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम ये सारी बातें करके ना अपने और मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो। जानती हो इसका नतीजा क्या निकलेगा? तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। पहले ही मलिक इजलाल की वजह से हमारी कम बदनामी हुई है और नजमा ने इस रिश्ते से इनकार करके सारे खानदान में हमारा तमाशा बना दिया। मुझे किसी की परवाह नहीं अम्मी, हम खानदान वालों के बगैर भी जी सकते हैं। कैसे जी सकते हैं? कौन जीने देगा? तुम्हारी वो सहेली या उसका वो भाई? जवाब दो मुझे, क्या कर लेंगे हम? कैसे करेंगे मुकाबला? कैसे छूटेगा मेरा उमेर? एक वकील तो हायर कर नहीं सकते हम, दर दर की ठोकरें खा रही हो तुम। कोई वकील उमेर का केस लड़ने को तैयार नहीं, सरकारी वकील ने भी इनकार कर दिया इस केस के लिए। जानती हो क्यों? क्योंकि कोई भी मलिक इजलाल के मुकाबले पर आना नहीं चाहता। फिर मुझे बताओ कौन आएगा उमेर का केस लड़ने, बोलो। अम्मी कोई तो होगा, कोई तो इनके खिलाफ खड़ा होगा। तो पूछो और लेकर आओ मेरे उमेर को। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रफाकत भाई, आप खैरियत? एक ज़रूरी काम से आया था, अगर आप बुरा ना माने तो अंदर आके बात कर लूँ। जी आइए। शुक्रिया। आइए आइए रफाकत भाई, बैठ। जी जी। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम ईशा, कैसी हो? यूनिवर्सिटी वगैरह जा रही हो? मैं भी पागल आदमी क्या सवाल कर बैठा, इन हालात में जो आप पे गुजर रहे हैं यूनिवर्सिटी जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ईशा अच्छा बेटा, रफाकत भाई के लिए चाय लेकर आओ। जी मैम। बैठी। जी रफाकत भाई, कोई खास बात करनी है आपने? आप जानती तो हैं कि हम पुराने मोहल्लेदार हैं और एक दूसरे से अच्छी तरह वाकफियत रखते हैं। जी बेशक, आपकी मरहुमा बीवी के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छी खातून थी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगा दे। और बताइए बच्चे ठीक हैं? हाँ बच्चे ठीक हैं, पढ़ रहे हैं। वो उमेर की जमानत का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उमेर, उमेर की जमानत का रफाकत भाई, क्योंकि कोई भी वकील उमेर का केस लेने को तैयार नहीं। अच्छा, मेरे जानने वाले हैं, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं। रफाकत भाई प्लीज, अगर कोई आपका जानने वाला है और मेरे बेटे का केस लड़ने को तैयार है तो आप उससे जरूर बात करें। आप तो मेरे उमेर को अच्छी तरह से जानते हैं ना, इसी मोहल्ले में खेलते कूदते पला बड़ा हुआ है। मेरा उमेर तो बहुत मासूम है, बहुत बहुत सीधा साधा बच्चा है मेरा, पता नहीं इसके साथ। आप बताइए, आप किसी जरूरी काम से आए? मैंने सुना था कि आप ईशा के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, वो पिछले दिनों रिश्ता आया भी था, वो मलिक इजलाल ने होने नहीं दिया। हम सब बाहर खड़े थे देख रहे थे, मलिक इजलाल के गुंडे आपके घर में घुसे और
वो रिश्ता भी नहीं हो सका वो। जी लेकिन रफाकत भाई, अभी तो हमारे लिए उमर की रिहाई सबसे ज्यादा जरूरी है। वो भी हो जाएगा, लेकिन मसला चूंकि ईशा का है तो आप ईशा की रुख्सती का कुछ करें। अगर ईशा की रुख्सती हो जाती है तो मलिक अजलाल भी ठंडा पड़ जाएगा, और अगर ईशा की शादी हो जाए तो उसका रुझान भी ख़त्म हो जाएगा। रफाकत भाई, इस वक्त कोई अच्छा रिश्ता मिले तभी मैं ये काम भी कर सकती कैसी बात कर रही हैं आप, ईशा के लिए रिश्तों की कुछ कमी? भाई माशाल्लाह डॉक्टर बनने जा रही है, खूबसूरत है। आपकी नज़र में है कोई रिश्ता? हाँ है ना। कौन लोग हैं वो? अरे कौन होगा, मैं हूँ ना। क्या कह रहे हैं आप? आप तो अच्छी तरह मुझे जानती हैं, मैं एक सीधा साधा शरीफ सा आदमी हूँ, और मेरा बेटा कनाडा जाने की तैयारी कर रहा है, वो हमें बुला लेगा वहाँ, हम सब वहाँ सेट हो जाएंगे। आप कल ही मेरा ईशा से निकाह पढ़वा दे, मैं उसके वीजे के लिए अप्लाई कर दूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी की उम्र की लड़की का रिश्ता मांगते हुए? अगर मुझे मरने तारी का न्याज ना होता तो इस वक्त मैं चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लेती। हाँ बुला लो बुला लो, मोहल्ले वाले भी सब जानते हैं तुम और तुम्हारी बेटी मिलके क्या कर रहे हैं। अरे बेटे को आए हुए दो दिन नहीं हुए और तुम लोगों ने उसे जेल पहुंचा दिया। तुमसे कह रही हूँ निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। मनहूस औरतें, दफा हो जाओ। इनके तो नेकी करो, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। ये मुश्किली रिपोर्ट। सर सर प्लीज, मुझे मेरे बेटे उमर से मिलवा दें। देख नहीं रही, हम मसरूफ हैं, जब फ्री हो जाए तो फिर आगे बात करना। लेकिन बहुत बहुत देर से हम इंतज़ार कर रहे थे। सर सर प्लीज़ एक दफ़ा मिलने दें, हम बस थोड़ी देर उनसे मिलेंगे। प्लीज़ मुझे मेरे भाई से मिलने दें। ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है। क्यों ऑर्डर नहीं है? मेरे बेटे ने खुदा ना खास्ता कोई कत्ल नहीं किया, या उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया। उस पर जो भी इल्ज़ाम लगाया ना, वो झूठा है, बेबुनियाद है। फिर आप हमें क्यों नहीं मिलने दे रहे उमर से? मैंने कहा ना ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है, लिख के दूं क्या? क्या मतलब है ऑर्डर नहीं है ऊपर से? मेरे भाई ने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है कि हमें उनसे मिलने भी ना दें। ये लेक्चर जाके मीडिया में देना, समझ गई तुम? यहाँ बोलने का कोई फायदा नहीं है, अब जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। मैं जाऊंगी मीडिया के पास और मैं सबको बताऊंगी कि हमें घंटों यहाँ बिठाए रखते हैं और हमें हमारे भाई से मिलने भी नहीं देते हैं। तुम और कर भी क्या सकती हो? मचा लिया शोर, क्या मिल गया शोर मचा के? अपने भाई को छुड़वा लिया, अब क्या चाहती हो? कैसे बातें कर रहे हैं आप? तो समझा अपनी बेटी को, जबान को लगाम दे और हद में रहे। आपसे मैं कह रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए मुझे मेरे बेटे से मिलने दे। मैंने कह दिया ना कि हम नहीं मिलने दे सकते, अब जाओ यहाँ से। एक लग भी बोला ना तो तुम दोनों को अंदर बंद कर दूंगा, अब जाओ, लेके जाओ इनको बाहर। आ जाए बीबी जी, बाहर आ जाए। थोड़ी देर लेके जाए ना, यहाँ से जाओ। अब जाओ। किसको लगा? एक सेकेंड सर, सर सर एक सेकेंड प्लीज़, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? यू नो सर,
मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ और आपने हमेशा मुझे इतना अप्रिशिएट किया है, इवन मेरी असाइनमेंट्स की भी इतनी तारीफ की है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि तुम बहुत जीनियस हो, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हो तुम मेरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी एक रिक्वेस्ट थी, आपके भाई एक बहुत बड़े लॉयर हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं चाहती हूँ आप एक दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट करें मेरे भाई का केस लड़ने। सर वो सर कोई भी लॉयर मेरे भाई का केस नहीं ले रहा। देखो ईशा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा, मैं तुम्हारी काबिलियत का कायल हूँ, तुम मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हो। मीडिया ने जिस तरह तुम्हें और तुम्हारे भाई को कवरेज दी है, उसके बाद मुझे ये तुम्हें बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि यूनिवर्सिटी से तुम्हें निकाल दिया गया है। जी